प्रशांत खंडेलवाल, आस्था शर्मा, गीतांजलि सिंह, काजल चौधरी, अंकिता बंसल, संदीप कुमार, दिशा गुप्ता, खुशी अग्रवाल, प्रिया कुमारी, कृति, मन अग्रवाल, मनीषी गुप्ता, दीप शिखा शर्मा, अन्य मेधावी छात्र अंजू उपाध्याय, सचिन कुमार शर्मा, हेमंत रावत, पुलकित वार्ष्णेय, प्रणव कुमार, महिमा, नीरज कुशवाहा, भावना शर्मा, भावना, पूजा अग्रवाल, जितेंद्र सैनी, यशिका यादव, महक अग्रवाल। अब मैं जीएलए विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र श्री प्रशांत शर्मा को आमंत्रित करता हूं कि वे मंच पर आएं एवं माननीय मुख्य अतिथि से सम्मान पत्र प्राप्त करें। प्रशांत शर्मा ने जीएलए से वर्ष 2010 में बीटेक की उपाधि प्राप्त की। वर्ष 2012 में उन्होंने संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा 29वीं रैंक प्राप्त कर भारतीय प्रशासनिक सेवा में स्थान प्राप्त किया। जीएलए विश्वविद्यालय उनकी विशिष्ट उपलब्धियों तथा समाज सेवा के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए उनको ये सम्मान पत्र प्रदान करता है। वर्तमान में प्रशांत स्पेशल सेक्रेटरी एवं डायरेक्टर फिशरीज के पद पर कार्यरत हैं। मैं आज के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से उनको दीक्षांत संबोधन के लिए सादर आमंत्रित करता हूं। जीएलए विश्वविद्यालय मथुरा के एकादश दीक्षांत समारोह में मंच पर उपस्थित प्रदेश शासन में मेरे वरिष्ठ सहयोगी गन्ना और चीनी विकास विभाग के मंत्री चौधरी लक्ष्मीनारायण जी, प्रदेश के उच्च शिक्षा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के मंत्री श्री योगेंद्र उपाध्याय जी, विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री नारायणदास अग्रवाल जी, उप कुलाधिपति प्रोफेसर दुर्ग सिंह चौहान जी,
कुलपति डॉक्टर फागुनी गुप्ता जी, आज के समारोह के सभी सम्मानित अतिथिगण, समारोह में उपस्थित सभी अभिभावकगण, स्नातक प्रास्नातक और डॉक्टरेट की डिग्री प्राप्त करने वाले सभी उपस्थित छात्र छात्राएं, ये मेरे लिए अत्यंत प्रसन्नता का क्षण है जब ब्रजभूमि में स्थित इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के एकादश दीक्षांत समारोह में मुझे आप सबके साथ संवाद करने का एक अवसर प्राप्त हो रहा है। ब्रजभूमि की जब मैंने बात की तो एकाएक हम सब का ध्यान आज से 5000 वर्ष पूर्व किस दिव्य घटना के साथ होता है, जब लीलाधारी भगवान श्री कृष्ण का जन्म इस धरा पर हुआ होगा। जन्म और उनके जीवन की बचपन की लीलाओं का आज भी इतनी प्राचीन विरासत को लेकर के हम सब चल रहे हैं। उस समय साधन नहीं रहे होंगे, लेकिन मुझे एक बात अक्सर याद आती है, जब मैं प्रख्यात समाजवादी चिंतक डॉक्टर राम मनोहर लोहिया की रचनाओं को देखता हूं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया एक समाजवादी चिंतक थे, हो सकता है कि उनका मंदिरों में जाना न रहा हो, लेकिन जब उनसे एक बार पूछा गया कि भारत की एकता, इसकी एकात्मता और अखंडता के आधार बिंदु क्या है, उन्होंने इस पर विस्तार से लिखा भी है। तो उन्होंने कहा कि देखिए, दुनिया के अंदर तमाम देश बने हैं, बिगड़े हैं, परंपराएं आई हैं, समाप्त हुई हैं, लेकिन अगर भारत भारत बना हुआ है, इसके पीछे तीन महापुरुषों का सर्वाधिक योगदान है। उन्होंने शब्द महापुरुष कहे थे, उन्होंने कोई ईश्वर नहीं कहा, कोई भगवान नहीं कहा, उन्होंने कहा ये तीन हैं जिन पर जब तक भारत की आस्था रहेगी तब तक भारत भारत बना रहेगा। और ये तीन हैं, एक राम, एक कृष्ण और एक शिव। भगवान श्री कृष्ण के बारे में अगर आप देखेंगे तो पूरब से पश्चिम तक सुदूर अरुणाचल में आप जाएंगे तो अरुणाचल में आज भी रुक्मणी की कथा लोगों के मन में उसी प्रकार से रसी बसी है जैसे हम इस ब्रजभूमि में आते हैं तो राधे रानी की जय कहने से अपने आप को वंचित नहीं कर पाते। और यही भाव सुदूर पूर्वोत्तर के राज्यों में महारानी रुक्मणी के साथ भी जुड़ा हुआ है।
पूरब से पश्चिम को जोड़ने का कार्य उस कालखंड में भगवान श्री कृष्ण ने किया था। और राजकुमारी रुक्मणी को वहां से लेकर के और उनके शादी विवाह का बंधन का कार्यक्रम द्वारिका के पास हुआ था, सुदूर समुद्र के तट पर। पूरब से पश्चिम से जोड़ने का कार्य और राम ने त्रेता युग में आज से उससे भी बहुत पूर्व उत्तर से दक्षिण तक जोड़ने का कार्य किया था। उत्तर से दक्षिण तक की जो सीमाएं भगवान राम ने हजारों वर्ष तय की थी, भारत की वही सांस्कृतिक सीमा आज राजनीतिक सीमा के रूप में। द्वादश ज्योतिर्लिंगों के माध्यम से पूरे भारत को एकता के सूत्र में जोड़ने के कार्य भगवान शिव के द्वारा अलग अलग स्थलों पर जिस श्रद्धा भाव के साथ भगवान शिव के प्रति भारत की आस्था आज भी जुड़ी हुई है, उन देवालयों में उन शिवालयों में भारत की आस्था उमड़ती भी दिखाई देती है। और इन्हीं सब बातों को लेकर के उन्होंने कहा था कि जब तक इन तीन के प्रति भारत की आस्था बनी रहेगी, दुनिया की कोई ताकत भारत का बाल बांका नहीं कर पाएगा। और आप सब सौभाग्यशाली हैं इस वृद्ध भूमि के, इस प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय में अध्ययन और अध्यापन का सौभाग्य आप सबको प्राप्त हुआ है। और इस प्रक्रिया के साथ जुड़ते हुए आज यहां पर स्नातक, प्रास्नातक और डॉक्टरेट की अपनी डिग्री प्राप्त करने वाले सभी छात्र छात्राओं को यहां पर आज कुलाधिपति के दीक्षोपदेश के माध्यम से ये उपाधियां आज उन्हें अवार्ड की गई है। आप सबको मेरी बधाई, आप सबके मंगलमय भविष्य की मैं कामना करता हूं। वास्तव में आधुनिक जो दीक्षांत समारोह है यह भारत की प्राचीन गुरुकुल परंपरा का समावर्तन समारोह का ही एक रूप है। आज हम दीक्षा के अंत में करते हैं। समावर्तन समारोह का स्वरूप भी कुछ इसी प्रकार से होता था कि हमारी जैसे ही परीक्षा के पूर्व बच्चों को तैयार करने, छात्रों को तैयार करने और उन्हें अगले आगे की ओर बढ़ने के लिए प्रेरित करने के लिए जो उस कालखंड में समारोह होते रहे होंगे वह समावर्तन समारोह थे। और उसका दीक्षा उपदेश तैतृय उपनिषद में बहुत विस्तृत रूप से रेखांकित किया गया है। उसकी पहली ही लाइन है, सत्यम वद धर्मम च। सत्य बोलना है और धर्म का आचरण करना है। अब सत्य हम सब अपने जीवन में इस बात को बहुत गहराई से सोचना होगा कि हम वास्तव में अपने जीवन में सत्य का आचरण कितना कर पाते हैं। व्यक्ति का कोई भी वाक्य तब प्रभावशाली बनता है जब उसके आचार और विचार में समन्वय होता है। जब व्यक्ति बोलता कुछ और है, करता कुछ और है, नेता हमेशा संकट में खड़ी होती है। और जिसका स्वयं पे विश्वास न होता हो उस पे समाज या देश और दुनिया उस पे क्या विश्वास करेगी। इसलिए सत्य बोलना और धर्म का आचरण करना। भारतीय मनीषा ने धर्म को कभी उपासना विधि के साथ जोड़ करके नहीं देखा। आप मंदिर जाएं न जाएं, पूजा करें न करें, यह आपका विषय है। आप पूजा खड़े होकर के करते हैं, बैठ करके करते हैं, लेट करके करते हैं, यह आपका विषय है। इसके लिए कभी भारतीय मनीषा ने कभी किसी को बाध्य नहीं किया, आस्था पर किसी को थोपने का प्रयास नहीं किया। हमने तो सबको जोड़ने का कार्य किया।
जो अच्छा था। यही तो हमारा बोध वाक्य था शिक्षण केंद्रों का, आनो भद्रा कर्तवो यन्तु विश्वत, ज्ञान के लिए सभी दिशाओं को खुला रखो, जहां से भी प्राप्त हो सकता है। हमने कभी नहीं कहा कि हमारे अमुक ग्रंथ में ही दुनिया का सारा ज्ञान है। जैसे एक विदेशी आक्रांता ने जब नालंदा विश्वविद्यालय के सबसे बड़े पुस्तकालय में आग लगाई थी, तो उसको समझाने का प्रयास हुआ कि सब क्या कर रहे हैं, ये भारत की ज्ञान की धरोहर को आप नष्ट करने का पाप कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कैसा ज्ञान, क्या इसमें जो कुछ भी है, क्या ये कुरान शरीफ से ज्यादा है, वो तो पहले से उसमें समाहित है, और जो उससे इतर है उसकी हमें आवश्यकता भी नहीं। महीनों तक वो पुस्तकालय चलता रहा। उस विकृत मानसिकता को, जिसने दुनिया को कभी स्वीकार नहीं किया, उन्हें अगर कोई आज इस बात को मानता, देवदूत मानकर के उनकी उपासना करता, उनकी पूजा करता है, तो उस विकृत मानसिकता से आज उसके कहर से दुनिया के स्वरूप में कांपती भी दिखाई देती है। दुनिया के तमाम देशों में आप सबको देखने को मिला होगा। ये मानवता के लिए संकट खड़े करने वाली, जब भी कोई अपनी बात को जबरन दूसरे पर थोपता है, भारतीय मनीषा ने कभी अपनी बात को किसी दूसरे पर थोपने का प्रयास नहीं किया। हमने तो कहा कि दुनिया के अंदर जहां कहीं भी अच्छा है, और भारत के किसी भी उस प्रतिष्ठित गुरुकुल के लिए कभी यह बात बंधन नहीं था कि जो कोई बोले जो इस गुरुकुल में पढ़ाया जा रहा है वही सब कुछ अच्छा है। उन्होंने कहा नहीं, ज्ञान के लिए सभी दिशाएं खुली होनी चाहिए, जहां से भी ये प्राप्त हो सकता है हम उसको अपने जीवन में निकाल करें, उसको अपने जीवन का हिस्सा बनाएं। भारती मनीषा के इसी बोध वाक्य को जीवन का हिस्सा बना करके आज देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कोरोना कालखंड में राष्ट्रीय शिक्षा नीति देश के नौजवानों के उज्ज्वल भविष्य को ध्यान में रखकर के बनाई है। ये राष्ट्रीय शिक्षा नीति इसी भाव को लेकर के है। हम केवल डिग्री तक सीमित न रहे, एक बार में डिग्री ले, एक ही विषय की डिग्री लेने के लिए भी बाध्य न करें, हमें एक बहुआयामी सोच के साथ उसे आगे बढ़ाना है, उसको लेकर के हम आगे बढ़े, एक विस्तृत आयाम देना है, और जहां से भी उसको अपनी रुचि के अनुरूप कोई अच्छी चीज लगती है तो उसको हमें आगे बढ़ाना होगा। और भारतीय मनीषा की है, प्राचीन काल से सोच रही है। दुनिया जब अंधकार में जी रही थी, तब भारत के प्रतिष्ठित गुरुकुल जी यहां पर उत्कृष्ट अध्ययन और अध्यापन के केंद्र बने हुए थे। जब साधन नहीं थे उस कालखंड में भी नालंदा, तक्षशिला जैसे प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय भारत भूमि पर थे, जो दुनिया को एक नई राह दिखा रहे थे। दुनिया के युवा वहां आकर के स्नातक की उपाधि प्राप्त करके गौरव की अनुभूति करते थे। हम सब के लिए चुनौती होगी उस पुरातन गौरव को पुनर्स्थापित करने के इस प्रवर्तमान अभियान का हम सब हिस्सा बने। एक केवल सरकार के भरोसे नहीं होगा, सरकार और समाज दोनों मिलकर के जब कार्य करना प्रारंभ करेंगे तो इसके परिणाम भी उतने ही अच्छे आते हुए दिखाई देंगे। और उस सामूहिक प्रयास की आज सर्वाधिक आवश्यकता है, और इसमें जीएलए जैसे विश्वविद्यालयों ने एक पहल प्रारंभ की है। उस पहल को
हम कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। मैं कभी कभी सोचता हूं कि हम विश्वविद्यालय जहां बनाते हैं अक्सर होता क्या है, या कोई महाविद्यालय बनाते हैं या कोई शिक्षण संस्थान बनाते हैं, और सरकार के स्तर पर या निजी क्षेत्र में कहीं भी बनता है, एक बात मैं देखता हूं कि वहां के लोकल समाज से हमारा संवाद पूरी तरह समाप्त रहता है। एक प्रकार लोकल समाज से हम कोई संवाद नहीं रख पाते, उससे एक प्रकार की दूरी हमारी बनी रहती है। ये विचित्र सी स्थिति है। हम जहां पर अपनी संस्था खड़ी कर रहे हैं वहां के समाज से हमारा कोई संवाद नहीं, तो हम संस्था किसके लिए खड़ी कर रहे हैं? संस्था के पीछे का हेतु क्या है? हमारा तो उनके बीच में बेहतर संवाद होना चाहिए। हमारे पास उस समाज की, उस क्षेत्र की, उस जनपद की एक बेहतर स्टडी होनी चाहिए, सामाजिक, आर्थिक, भौगोलिक, और वहां की व्यापक उन संभावनाओं को लेकर के अगर सरकार को कभी कोई आवश्यकता पड़ती है तो हम उस अध्ययन को सरकार के सामने प्रस्तुत कर लें कि नहीं, यहां की योजना इस रूप में बननी है। अक्सर होता है कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाना होता है, हमें टेंडर अवार्ड करने पड़ते हैं। इस प्रोजेक्ट के लिए हमें सोशल इंपैक्ट स्टडी करवानी है। अब उसके लिए कोई बाहर की संस्था आती है, हमारी स्थानीय संस्थाएं उसके लिए अपने यहां की फैकल्टी को, अपने यहां के छात्रों को क्यों नहीं तैयार कर पाती? और अगर हमारे पास स्टडी है, पहले से हमारे पास स्टडी है, हम उसे अपडेट कर रहे हैं, तो फिर हमें कोई नया स्टडी कराने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। सरकार ने आज कहा, हमने उनको प्रस्तुत कर दिया कि भाई ये है, अगर आप चाहें इसके अलावा किसी एक थर्ड पार्टी को रख करके इसके बारे में एक बार इसका सत्यापन करवा लें, और हम चाहेंगे कि आप इसको स्वीकार करें, हम इसमें पूरी गारंटी लेने को तैयार हैं। बहुत सारी समस्याओं का समाधान होता हुआ दिखाई देगा। दूसरा, आपके पास एक फंड का फ्लो भी होगा, आपके पास एक व्यवस्था भी दिखाई देगी। हमारे यहां की परंपरागत जो व्यवस्थाएं थी जिसके लिए दुनिया में जाना जाता था, हमने आयुष से संबंध एक प्रकार से उससे विच्छेदी कर दिए थे। हम आभारी हैं प्रधानमंत्री मोदी जी के, जिन्होंने 2014 में आने के बाद आयुष मंत्रालय का गठन किया। तब भी जिसकी समझ में नहीं आ रहा था, कोरोना ने उनको समझा दिया कि काढ़े की कीमत क्या होती है, हल्दी का महत्व क्या होता है। उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी के ग्रैंडसन यूएस में रहते हैं, एक दिन उन्होंने मुझे फोन किया, उन्होंने कहा कि मेरा ग्रैंडसन आया हुआ, आपसे मिलने का बड़ा उत्सुक है, 5 मिनट का समय दे देते तो। मैंने कहा लेके आ जाइए, मैंने समय दिया, जिस समय दिया गया था उसी समय वहां आ गए थे। परिचय होने के बाद मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा बताइए कब आए, कैसे आना हुआ और आप क्यों मुझसे मिलना चाहते हैं? उन्होंने कहा कि मैं यूएस में रहता हूं, वहां पे एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता हूं, मैं एक दिन अपनी कार से जा रहा था, एक इंडियन रेस्टोरेंट के बाहर एक लंबी लाइन लगी हुई थी, तो मैं अपनी गाड़ी को पार्क करके वापस देखने के लिए आया लाइन क्यों लगी हुई। कहा वहां पे हल्दी का पानी लोग दे रहे थे, हल्दी क्या होता है? तो मैंने कहा क्या आपने कभी अपनी दादी, अपनी मां के हाथ से बना हुआ खाना नहीं खाया क्या? दाल है, सब्जी है, खिचड़ी है, परांठा है, सब खाए नहीं? कहा नहीं खाया तो, लेकिन हल्दी क्या है? मैंने कहा भारतीय रसोई बगैर हल्दी के चल ही नहीं सकती है, और कोई अतिथि आता है तो उसका टीका भी हम हल्दी से ही कराते हैं। हल्दी एंटीसेप्टिक भी है और एंटी एलर्जिक भी है,
और कोरोना काल खंड ने सबको समझा दिया हल्दी का मतलब क्या होता है। यह हजारों वर्षों से भारत की रसोई का एक अभिन्न हिस्सा है, लेकिन हम भूल गए। हमने अपनी परंपरागत चिकित्सा पद्धति को विस्मृत किया, भुला दिया, उससे संबंध विच्छेद कर दिए, योग से दूरी बना ली। जब दुनिया योग के पीछे भाग रही है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने योग को 21 जून की तिथि को विश्व योग दिवस के रूप में वैश्विक मंच पर रख करके पूरी दुनिया उसके पीछे भाग रही, तब हमारी समझ में आया कि वाह, योग में भी ये गुण है। बहुत सारी समस्याओं का समाधान करने की क्षमता है। ये केवल शारीरिक और मानसिक विकास के लिए ही नहीं, बौद्धिक उन्नयन के लिए और विज्ञान को उस स्थिति तक पहुंचाने में एक सक्षम है जहां पे विज्ञान की सीमाएं समाप्त होती हैं, और भारतीय मनीषा ने उन सीमाओं का भी अतिक्रमण किया है और वही अध्यात्म है। याद रखना, जब भी आप भारत की इस परंपरा को अंगीकार करेंगे और उसके साथ जुड़ेंगे, तो विज्ञान की सीमाओं का अतिक्रमण करके जब उस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे, तो वह एक विस्तृत संसार होगा। उसके लिए भौतिक दृष्टि नहीं, उसे अंतःकरण की दृष्टि से ही आप अवलोकन कर पाएंगे। लेकिन खैर, एक अलग क्षेत्र है और शिक्षण संस्थानों को भी इस क्षेत्र में कार्य करना होगा, उस दिशा में आगे बढ़ना होगा। बहुत कुछ है उसमें छुपा हुआ, लेकिन शिक्षण संस्थानों का या हमारे संस्थानों का आज के दिन जिम्मेदारी क्या? हमने शोध प्रक्रिया को बाधित किया, हम केवल दूसरों की चीजों को अच्छा मानने लग गए। जो दूसरी जगह था, एक बार एक राजदूत मेरे पास आए थे, वो मेरे पूर्व परिचित थे, तो मेरे साथ अपने देश का एक गिफ्ट लेकर के आए। तो मैंने उन्हीं के सामने बोला, मैंने कहा भाई ये आइटम हमारे यहां तो बहुत सस्ता है, 5 रुपए का है। तो मैंने भी उनको एक आइटम दिया, मैंने भी उनको गिफ्ट किया। मैंने कहा भाई ये देखो, तो उन्होंने मेरे सामने खोला, उन्होंने कहा कि आपके कितने की? मैंने कहा 500 रुपए की है। तो उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए, प्रोडक्ट आपका अच्छा है लेकिन पैकेजिंग अच्छी नहीं है, और हमारी पैकेजिंग अच्छी है, प्रोडक्ट अच्छा नहीं है। तो मैंने कहा ये तो हमेशा से रहा है। मैंने कहा हमारा प्रोडक्ट हमेशा अच्छा रहता है, हम किसी को धोखा नहीं देते, लेकिन लोग जो देखते हैं, लोग उसी के पीछे भागते हैं। जैसा परोसेंगे लोग, उसके पीछे वैसे भागने लगते हैं, उसके अच्छाई बुराई जाने बगैर उसके पीछे एक घोड़ सी लग जाती है। हमारी संस्थानों को अपने आप को तैयार करना होगा, प्रोडक्ट भी अच्छा देना पड़ेगा और पैकेजिंग भी उसी प्रकार से तय करनी पड़ेगी जो दुनिया को अपनी ओर आकर्षित कर सके। और हम भूल गए, हमने प्रोडक्ट से भी हमने संबंध विच्छेद कर दिया, उसको भी हम उस क्वालिटी का देने में विफल रहे। और पैकेजिंग का तो खैर, हमने मैनेजमेंट के कोर्स चलते हैं, लेकिन हम लोग उसके बारे में कोई भी नया कार्य करने में, नया चीज देने में हम विफल रहे। हर एक चीज का अपना एक महत्व है। हम एक बार उसको देखें तो, और मुझे प्रसन्नता है कि इधर कुछ संस्थानों ने अच्छा काम प्रारंभ किया है। जब मैं यहां आ रहा था, देख रहा था विश्वविद्यालय की प्रोग्रेस रिपोर्ट भी देख रहा था, विश्वविद्यालय ने अनेक क्षेत्रों में एक नया विकास किया है। और पिछले यानी यह वर्ष तो इस विश्वविद्यालय का रजत जयंती, स्थापना का रजत जयंती भी है, जब यह एक इंजीनियरिंग कॉलेज के रूप में स्थापित हुआ।
और विश्वविद्यालय के बाद या एक कॉलेज के बाद आगे बढ़ा। कॉलेज बनने के बाद 2002 में जब उत्तर प्रदेश का टेक्निकल यूनिवर्सिटी स्थापित हुई, टेक्निकल यूनिवर्सिटी स्थापित होने के बाद उस से इसका एफिलिएशन होना, फिर 2010 में विश्वविद्यालय के रूप में अपने आप को स्थापित करना और विश्वविद्यालय के रूप में भी अच्छी फैकल्टी का चयन करके प्रोफेसर डीएस चौहान जैसे प्रतिष्ठित और समाज सापेक्ष व्यक्तित्व को अपने साथ जोड़ करके विश्वविद्यालय के सर्वांगीण विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का जो कार्य हुआ है, उसके परिणाम हम सबके सामने। मुझे याद है जब प्रोफेसर डीएस चौहान जी उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी के वीसी थे, उन्होंने उस समय इस क्षेत्र में ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बहुत सरल किया था। दुर्भाग्य से उस समय की सरकारों की समझ में वो सब नहीं आ रहा था। अगर उन्होंने समझने का प्रयास किया होता तो उत्तर प्रदेश आज तकनीक का एक हब होता है, हम उसमें बहुत पीछे छूट गए, बहुत पीछे हम रह गए, क्योंकि जो लोग हमसे पहले उस क्षेत्र में काम कर चुके थे, जिन लोगों ने अपने और रिलैक्सेशन दिया, वे लोग आगे बढ़ गए, उत्तर प्रदेश पीछे छूट गया। लेकिन फिर भी यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी बनने के बाद उस क्षेत्र में नयापन आता हुआ दिखाई दिया और उसको एक नई ऊंचाई तक पहुंचाने का कार्य हुआ। आज ये विश्वविद्यालय स्वयं उन सभी कोर्सेज को लेकर के यहां पे कार्य कर रहा है, न केवल विश्वविद्यालय को इनोवेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट का एक नया केंद्र के रूप में स्थापित किया, लेकिन उससे भी आगे जाकर के जो मुझे प्रसन्नता हुई कि तमाम पेटेंट भी विश्वविद्यालय को अवार्ड हुए हैं और विश्वविद्यालय के लिए यह इस प्रक्रिया के साथ जुड़ना और भी महत्वपूर्ण है। विश्वविद्यालय को इस दिशा में नए प्रयास प्रारंभ करने चाहिए। आज का समय भी मैं देख रहा था यहां की नई स्थापित स्किल डेवलपमेंट की जो एक नया सेंटर उन्होंने विश्वविद्यालय ने स्थापित किया है, न्यू एज कोर्सेज के साथ हम अपने छात्रों को कैसे जोड़ सकते हैं, और दिशा में प्रयास भी प्रारंभ हुआ है। शासन की योजनाओं को, केंद्र और राज्य शासन की योजनाओं को हम अपने पाठ्यक्रम का हिस्सा कैसे बनाएं? अक्सर होता है कि जैसे सरकारें उससे अपने आप को निरपेक्ष कर सरकारों के उन पॉलिसीज को, सरकार के कार्यक्रमों को, युवाओं से, छात्रों से जुड़े हुई योजनाओं को उससे अलग करने का कार्य होता है, और बाद में जब छात्र निकलता उसको पता ही नहीं होता है कि इसका मतलब क्या है। हमें पहले दिन से ही एक टीम गठित करनी चाहिए, टीम इस बात को लेकर गठित करनी चाहिए। शासन ने कोई योजना बनाई, योजना क्या है, संबंधित विभाग से संपर्क करके उनसे पूछना चाहिए, इसका हमें पूरा मटेरियल दीजिए, हम अपने पाठ्यक्रम का इसको हिस्सा बनाना चाहते हैं, हमारे छात्र छात्राओं को इसकी जानकारी होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए जानकारी? हम योजना उनके लिए बना रहे हैं जिनके लिए योजना बना रहे हैं उनको पता ही नहीं है। ढेर सारी योजनाएं बनी, कोई छात्र आज के दिन पे अपना स्टार्टअप स्थापित करना चाहता है, परिवार के पास पैसा नहीं है, वो भटकता रहेगा, कोई मदद नहीं करेगा, लेकिन अगर उसे मालूम है कि पीएम मुद्रा योजना है, इस योजना के अंतर्गत मैं बैंक से संपर्क करूंगा, बैंक मुझे सहयोग करेगा, तो आसानी से वह अपना स्टार्टअप स्थापित करने के लिए आगे बढ़ सकता है। लेकिन जब पता ही नहीं,